पत्ते गोच्छामि समय पाहु मनुषुर केवली। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चेष्टवाय भावाय सर्वभावांतर चिति। जिनवाणी डायरी में नहीं रखो, डायरी ज्ञाता अनुभव करो,
वो तो मैं बहुत सोच के आया, देखो कितना बढ़िया प्रयोजन करा, बिल्कुल मिथ्या दर्शन, और बहुत सोच के कुछ नहीं आया, और बहुत सोच के आया इसलिए अच्छे प्रयोजन हो गए, बिल्कुल झूठी बात। सब पूरे व्यवहार के जवाब है, भव्य जीवों के भाग से क्या होता है, हम कह रहे भव्य जीव के भाग से भी होता है, बोलो भव्य जीवों को वही वाणी समित निमित्त है, अभव्य जीव को वही वाणी नारद निमित्त का निमित्त है। भगवान की दिव्य देशना में आया है, माँ भी 24 तीर्थंकर होगा, मारी जी 24 तीर्थंकर होगा, बताओ कायम निमित्त बनी वो बात, कायम बनी निमित्त कितना चार निमित्त बनी थे, तो अभव जीव के भाग से भी तो गिरी, मतलब सब अभव नहीं है ना, एक भव्य अभव की और भी परिभाषा है, भाव दीपिका में है 8 नंबर के पेज में, छह द्रव्य भव्य है और छह द्रव्य अभव है, छह द्रव्य भव्य है, वहां भव्य माने सम्यक दर्शन ज्ञान चाहत नहीं लेना, होने योग्य होता है इसका नाम भव्य, विश्व की सारी पर्याय भव्य है क्योंकि होने योग्य ही होती है, मिथ्या दृष्टि की पर्याय भी भव्य है क्योंकि होने योग्य हो रही है, अभव्य जीव का भी कभी मोक्ष नहीं होगा ये भी भव्य है, ऐसे ही होने योग्य इस अपेक्षा से वहां चलते, तो छह द्रव्य में कुछ होने योग्य हो रहा है इसलिए भव्य है, उस अपेक्षा नहीं, कुछ करने को गुंजाइश नहीं बचेगी इसका नाम सम्यक दर्शन, कुछ करने का विकल्प नहीं बचेगा इसका नाम केवल ज्ञान है, फर्क समझ में, दर्शन मोह का अभाव हुआ तो तीन लोग में विकल्प गुंजाइश दिखाई नहीं देती, विकल्प लाए कुछ दिखाई नहीं देता, इसका नाम दर्शन मोह का अभाव, चार मोह का अभाव कब होगा जब किंचित मात्र विकल्प उत्पन्न नहीं होगा, इसलिए सम्यक दर्शन की बात चल रही, तीन लोग में विकल्प के लायक कहीं स्थान बचता ही नहीं, आप बहुत उपयोग लगा के आए इसलिए अच्छा सुन रहे हैं, झूठी बात है, आपने देखा वो कई बार बहुत ट्राई करके आते हैं, अच्छा मेंटेलिटी बना के आते हैं और सब मन नहीं लगता, और किसी दिन बिल्कुल हारे थके आए और मन लग जाता ही नहीं जाता होगा, हाँ इस कौन सा बाकी चल रहा है प्रवचन का, उत्पाद सत है, उत्पाद माने उत्पन्न होने के समय में उत्पन्न होने वाली पर्याय ही होगी, जब जो लोग थोड़े अलर्ट होते हैं वे अपने आप को पहचानते हैं अपने आप, पंडित जी मैं जानता हूं मैं गलत कर रहा हूं, जान रहा हूं मैं गुस्सा गलत कर रहा हूं, बच्चे को नहीं मानना चाहिए नहीं डांटना चाहिए, लेकिन जाने क्यों उमड़ रहा है अंदर से, जाने क्यों आज मूड खराब है, जाने क्यों आज बोल नहीं होता है, पानी छानने का छन्ना लगाया और उसमें से ऊपर से पानी निकल गया, अपन ने देख भी लिया, अब अपन जान रहे गलत हो रहा है, अब रहने तो कौन छाने फिर से ना ले बता, गलत जानते हुए हुआ कि नहीं हुआ, उस समय आप ये भी सोच लो कि नरक जाना पड़ेगा तो भी ना लियो, तुम्हारा ज्ञान तुम्हें नहीं बचा सकता, गजब देखो आप व्यवहार से कहेंगे तो तुम्हारा ज्ञान ही तुम्हें बचाएगा, देखो तुम्हारी विशुद्धि तुम्हारा निष्प्रमाद दशा प्रमाद का अभाव तुम्हें बचा लेगा, व्यवहार में ऐसे कहेंगे, लेकिन जिस समय प्रमाद होना होता है उस समय वो बुद्धि भी काम नहीं करती, ये सब समझे क्या समझना, प्रकरण ही चल रहा है समझना क्या, कि जिस समय जो बुद्धि हो उसके भी ज्ञाता हो, जो पर्याय हो उसके भी ज्ञाता हो, व्यवहार में तो बहुत कुछ है, खेत करो प्राश्चित करो प्रतिक्रमण करो, व्यवहार है सब इनकार नहीं, लेकिन इतना प्राश्चित प्रतिक्रमण का व्यवहार होने पर भी आलोचना होने पर भी अपने को दीनहीन पावन मत देखो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के लायक देखो, भगवान बनने के लायक देखो, ऐसा नहीं हो कि तुम बिल्कुल याद को ऐसे करने लगे, अब तो मेरा कल्याण ही नहीं हो सकता, हो सकता है इसके लिए प्रतिमा नहीं हो गए, काय के लिए प्रतिमा नहीं हो, बोलो अंजन जी और तुमसे अच्छा था कि खराब था, बोलो उसका आचरण कैसा था, सब तो व्यसन खराब ही थे ना, हम फिर पूछ रहे बताओ अंजन जी खराब था कि अच्छा था, अच्छा था जब इतने समय दर्शन कर लिए,
और तो बहुत खराब, अगर जितने अच्छा आचरण करने पर भी है, जितना अच्छा जीवन होने पर भी समय पसंद नहीं कर रहे, तो खराब अच्छे की परिभाषा तो सियादबाज है। ध्यान रखना, हमारे भरोसे में स्वच्छता का स्थान नहीं है, खुलकर पाप करने का क्या, छिपकर पाप करने का भी स्थान नहीं, खुले आम तो करना ही नहीं चाहिए। पंडित साहब का वाक्य है, खुले आम पाप करना निर्लज्जता है, खुले आम तो पाप करना ही नहीं चाहिए, लेकिन छिप करके पाप करना कायरता है, छिप करके भी मत कर। अपने पापों को स्वीकार करना ही साहस है, और अपने पापों को मिटा देना ये साधना है, अपनी कमियों को मिटा देना ही साधना है। सूरवीरता है, सूरवीरता, कोई सूरवीर ही हो वो अपने पापों को स्वीकार करके मिटाए, पुरुषार्थ है अपने दोषों को मिटा देना, ये पुरुषार्थ है। तो बाहर में भी लगा ना, अंदर में भी लगा, यहां तो तू पामर अनुभव मत कर, उत्पाद के कारण उत्पाद होगा ही। वह चल चुकी चर्चा, 1000 वर्ष तक आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान नहीं होना तो नहीं होना, अब ज्ञान कुछ नहीं कर पा रहा, प्रमत्त दशा है तो प्रमत्त ही है, हो प्रमत्त माने अप्रमत्त, प्रमत्त की झूला है ना साधन, ऐसे लगा मैंने, वो प्रमत्त में आते हैं तो आते ही है, वैसे कोई नहीं रोक सकता। तो समझ में क्या आता है, चरणानियों के स्थान पर चरणानियों का विवेक जरूर रखो। हम तो इसमें बहुत कहते हैं, एकांगी ज्ञान नहीं होना चाहिए, चारों नियों का ज्ञान होना चाहिए। अभी तो बात कही चल रही है, उत्पाद सत है, उत्पाद अपने समय का सत है, और अपने समय का सत माने तीनों काल ही फिक्स था, वो पहले से ही फिक्स था, वो माने होने योग्य होना है, होना है और होना ही है, तुम नहीं रोक पाओगे। इसकी बहुत दृष्टांत है जनादम में, वर्तमान युग में, लेकिन मैं आपको वर्तमान का दृष्टांत देता हूँ। गणेश प्रसाद जी पढ़ लीजिए, इन्हें आके दिल्ली के पास ही इस साइड कौन सा खुर्जा नाम का गांव है, शहर है, हरियाणा साइड है ना, कहाँ है हरियाणा, यूपी, यूपी में, यूपी में है, गाजियाबाद के पास है, यूपी में खुर्जा, खुर्जा में गणेश प्रसाद जी पढ़ लीजिए थे, गए हुए थे, कतौली वगैरह जाते थे, आते थे पढ़ने, खुर्जा में थी, अच्छा स्थान है, हम तो गए नहीं, ठीक है, उनने लिखा कि अच्छा है, तो मेरी जीवन गाथा में लिखी हुआ है, खुर्जा में वो थी। तो कोई अच्छा ज्योतिषी, मतलब समझ लीजिए अच्छा जानकार था, बिल्कुल सच्चा जानकार, वो वहां आया, संयोग है प्रवचन सुना उसने, उनकी चेहरे की रेखाएं देख कर अथवा जो भी उसने देखा हो, उन्हें हाथ तो दिखाए नहीं होगा, दिखाया भी नहीं, लेकिन उनको देख करके महाराज आप 14 तारीख 14 14 के बाद जो भी तारीख होगी, जो भी आप 14 की सुबह 9 बजे के बाद प्रजा में नहीं रहोगे, जो भी तारीख रही, तारीख मैं 14 कह रहा हूँ, आप 14 को कितने 9 बजे के बाद 9:15 ऐसा कुछ टाइम दिया, 9:13 14 ऐसा कुछ टाइम दिया, आप 9:15 के बाद खोजा में नहीं रहोगे। पंडित जी हाजिर, हमारा तो कोई प्रोग्राम ही कहीं जाने का, और कोई लेवाने वाला भी नहीं आ रहा, हमारा तो कोई कार्यक्रम नहीं कहीं जाने का, देखना तो हमारी बात झूठी निकल जाएगी, बैठने की सोच रहे। 13 के दिन स्वप्न आया, 13 के दिन ऐसा स्वप्न आया, कोई भयानक स्वप्न, 14 की सुबह उठे या 13 की रात जब भी, तो कहा भाई समय से जल्दी यात्रा करना, ऐसा स्वप्न देख कर भयानक कुछ ऐसा मन आया समय से जल्दी यात्रा कर, और वो जो सी बात पूरी भूल गई, और 14 का टिकट बन गया, और 9:15 पर ट्रेन ने खसकना शुरू किया। आप 9:15 के बाद खुर्जा में नहीं रह पाओगे, वो ट्रेन ने चलना शुरू किया, जब चल दी 1 मिनट निकल गया, तब उन्हें याद आया, अरे उसने कहा था 14 के दिन 9:15 के बाद आप रह नहीं पाओगे, 1-2 मिनट पहले याद आ जाती तो उधर जाते। कि नहीं, उसकी बात झूठी करने के लिए उधर जाऊं,
सच्ची घटना नहीं, बल्कि बढ़ लेना मेरी जगह भी आता है। मैंने क्या कहता है, कौन बदले तेरा सारा ज्ञान? तो क्या केवली भगवान का केवल ज्ञान भी एक समय के उत्पाद को बदलने में असमर्थ है? इतनी चर्चा करके कह रहे कि तू पर्याय का करता पना छोड़ दे। आज का प्रवचन मैंने बहुत बढ़िया किया, तू मिथ्या दृष्टि है। प्रवचन की पर्याय पुद्गल की पर्याय है, भाषा वर्णना की पर्याय है, वो भी उत्पाद सत है, वो अनादिकाल से सत है, पहले से सत है वो। अभी हमने क्या सोचा, ये होगी हमने लाई जीवाणी, हमने लाई दंत तालु ओठ, हमने लाई तो होता कौन है ना नहीं हो। अध्यात्म भी है, न्याय शास्त्र है, न्याय शास्त्र उत्पाद सत है। 100 नंबर की गाथा देखो आप, क्यों आज का प्रवचन कैसा है? आवाज का अच्छा है। किसकी तारीफ करी आपने? प्रवचन की। मैंने समझा मेरी कर, किसको ऐसा ज्ञान होगा? मिथ्या दृष्टि को होगा ऐसा ज्ञान। फिर पूछ रहे क्यों प्रवचन कैसा रहा? तो प्रवचन माने प्रकृष्ट वचन, वचन वचन माने भाषा वर्णना, माने पुद्गल की पर्याय। पुद्गल की पर्याय होने पर तुम्हें क्या लग रहा है? मेरी प्रशंसा की, इसका मतलब तुमने अपने को भाषा वर्णना मान लिया, तुमने अपने को पुद्गल की पर्याय मान लिया। इसका नाम है मिथ्या। क्यों कड़वा क्यों बोलते हो? क्यों गाली क्यों देते हो? अच्छा बोला करो, ऐसा करो। अब जिससे कहा तुम गाली देते हो वो दीन हो गए। अरे भाई गालियों की निंदा कर रहे, तुम्हारी निंदा कर रहे। मैं बहुत ही अनुभव की बात बता रहा हूँ, मेरा जीवन ब्रह्मचर्य के मार्ग में होने से बहुत काम पड़ता है इसका, बहुत ब्रह्मचारी भाई बहनों का बहुत काम पड़ता है। तो जब भी हम किसी कमी पर टोकते हैं तो मुझे समझाना पड़ता है, बेटा आत्मा की निंदा तो 3 काल में कोई कर नहीं सकता, तुम अपने को आत्मा अनुभव है। कहना पड़ता है मुझे टोकने से पहले, फिर से बोलूं क्या कह रहा हूं? तुम अपने को आत्मा अनुभव है। लोग में आज तक ऐसा कोई वचन उत्पन्न नहीं हुआ जो आत्मा की निंदा करे। 3 लोग में एक भी वचन ऐसा नहीं है, 4 लोग में नहीं है कि आत्मा की कोई निंदा कर सके। हाँ आत्मा की प्रशंसा के वचन तो है अध्यात्म में, न्याय शास्त्र में और भगवान की दिव्य ध्वनि में। तू परमेश्वर है, तू ज्ञायक है, तू भावी सिद्ध है, तेरे में अनंत शुद्ध सामर्थ्य पड़ी हुई है, तेरे में केवल ज्ञान की सामर्थ पड़ी हुई है। तू स्त्री नहीं है, तू पुरुष नहीं है, ये ऐसे शब्द तो भरे पड़े। दिव्य ध्वनि तेरी तारीफ कर रही है, अभी कर रही है, अभी इसी कंडीशन में बैठने पर भी, रत्न गटर में पड़ा होने पर भी तारीफ करने लायक है। अरे रत्न है, क्या बोलोगे? अरे कैसा, कहाँ पटक दिया? अरे कहाँ पटक दिया? तो कहाँ पटक दिया मैंने, क्षेत्र की निंदा है, रतन की निंदा नहीं है। है? अरे क्या लिपट गया, अरे कितना गंदा दिख रहा है, कितना गंदा दिख रहा है, क्या दिख रहा है गंदा? वो मलिनता गंदी दिख रही है, रतन गंदा नहीं दिख रहा है। बता रतन धोगे की मलिनता धोगे? सुनो विश्व का समस्त आत्मा है, विश्व की समस्त आत्मा है, विश्व का प्राणी मात्र जीवराज वो भगवान है, ज्ञाता है, परमेश्वर है, महान है। कितने शब्द भरे हैं ऐसे बोला, कितने शब्द भरे अनंत। अब हमें कहना पड़ता, इतना बात क्यों कहना पड़ती? हमने कहा बेटे ऐसे नहीं खाया करो, हो तुम्हें खाओ खाओ दिखा, जब देखो जब डांट दे दी, इतने अच्छे पल्ले पड़े भाई साहब, कहां से सिर पे आ गए, मर गए, इनके अंडर कहां से आ गए, इनके अंडर रहना पड़ रहा। तुमने खाने पीने के भाव को जो आश्रय तत्व था उसको आत्मा मान लिया, ये मिथ्या। तुमने वचन को आत्मा मान लिया, ये मिथ्या। खाने पीने के पदार्थ और क्रियाओं को मैंने जड़ की क्रिया को तुमने आत्मा मान लिया, इसका नाम मिथ्या। बहुत तकलीफ है, इसकी बहुत तकलीफ है। ऐसे नहीं कर रहा, हट ऐसा लगता है कि हमसे काय कह रहे। अरे तुमसे नहीं कह रहे बेटा, तुम तो प्रभु हो। मैं तो बहुत कहता हूँ, मैं प्रवचन में 1 घंटा कहता हूँ तुम प्रभु हो प्रभु हो, जी नहीं सुनाई पड़ता, जी सुनाई पड़ जाता है ऐसे नहीं बैठा, ऐसे नहीं खा, ऐसे नहीं पी, ऐसे नहीं चल। हमने तो कह देते भैया जो हमारे पास आता है पहले नंबर कहते हैं, बेटा नर्सरी के बच्चे बन के आओ तो आ जाना, यदि तुम्हें लगता है कि हमारे पास दिमाग है तो मत आओ, यही तुम्हें लगता है कि हम डिसीजन कर सकते हैं, हम निर्णय ले सकते हैं, हम समझदार हैं, हम समझा सकते हैं, हम समझ सकते हैं, तो मत आओ। नर्सरी के बच्चे बन के जाओ, नर्सरी के बच्चे कुछ नहीं लगता,
बेटे छोटा आ ऐसे नहीं बनता। अच्छा अच्छा मैडम, अच्छा ठीक है बेटा, ये सवाल गलत है। कैसे गलत है, कहां से गलत है, कौन तर्क से गलत है, कौन न्याय से गलत है, गलत है बिल्कुल एकदम। समर्पण है बुद्धि का। फिर सोचने लगा यहाँ तो माइनस प्लस सही लगाया था, यहाँ दो दो चार आठ दस बारह पंद्रह जिस व्यक्ति को ऐसा लगता है हम सही चल रहे हैं वो पूरा कर मिथ्या दृष्टि है। क्यों कि पर्याय में यदि पूर्णता हो तो भगवान बन जाए, पर्याय में पूर्णता हो तो भगवान बन जाए। एक समय का पर्याय उत्पाद क्या गजब है, एक समय का उत्पाद तो अपना नहीं मानो, पुद्गल का उत्पाद को अपना नहीं मानो। अरे आश्रय बंध रूप आत्मा का जो उत्पाद है चारित्र मोह का, वो भी आत्मा नहीं है। निंदा किसकी की जाती है बोलो, सत्य जी बोलो, किसकी निंदा की जाती है, आत्मा की तो नहीं की जाती। एक उत्तर में तो ये हो गया सिंह जी का, आत्मा की तो नहीं की जाती, फिर कौन की जाती है। अच्छी बोला करो बेटे, वाणी खराब है, वाणी की निंदा करो, वाणी की भी निंदा नहीं हो रही, वाणी भी तो वर्णमा नहीं है, तुम्हारा अभिप्राय में खोटा था, तुम इसको ऐसा क्यों देखते हो। जैसे मेरे से असह है, असह है मेरे को, असह कह रहा हूँ, असह सहा नहीं जाता। कोई सेठ होकर के नौकर बोले खा ले रे चला जा जल्दी जा, मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे मुझे चक्कू मार रहा हो, ऐसा लगता है मुझे। मेरे सामने कोई भी आप ही नहीं, कोई भी यदि जिनवाणी का पन्ना ऐसे पलट गया तो ऐसा लगता है जैसे कभी ऐसा कर दिया, इतनी झमके तकलीफ होती पूछे। हाँ क्या मतलब, और परिणमन तो परिणमन है, वही मानव पुद्गल तो परिणमन, लेकिन तुम्हारा अभिप्राय वो उस मिथ्या अभिप्राय की निंदा है। मिथ्या की निंदा माने, मिथ्या की निंदा माने जब जब कोई खा पी के ऐस करके आनंद मानता है तो आपको भी क्या लगता है बता। देखो पंडित जी इनकी जिंदगी मजे में जा रही है, मजे में नहीं जा रही, हमें दुख दिखाई दे रहा है। वह सुख सदाई त्याजे, जिनके तुम्हें मजे दिखाई दे रहे हैं, जिनके तुम्हें आज मजे दिखाई दे रहे हैं, हमें मालूम का भयानक, हमें कभी आकर्षण नहीं लगता कि कोको कोला पीना मजे की चीज है, ये खाना पीना मजे की चीज है, ये गालियां बकना मजे की चीज है, अरबपति होकर के ऐसे ऐसे आकड़ना मजे की चीज है। अरे तुम आत्मा भूल गए, तुम अपने करोड़पति मान रहे हो, ये मिथ्या अभिप्राय निंद है, वचन निंद है, मिथ्या अभिप्राय निंद है। तुम अपने पुरुष क्यों मानते हो, करोड़पति क्यों मानते हो, कभी नहीं माना, बहुत दुखी बात है, बहुत ही दुखी बात है, कहने के लिए नहीं हम सच कह रहे हैं, बहुत दुखी बात है। निंदा किसकी की जाती है, बुराइयों की जाती है। अब बुराइयों को आत्मा मानोगे तो तकलीफ होएगी। पंडित जी ने भरी सभा में हमें क्यों टोका, कौन टोके और कौन नहीं टोके, अरे कोई महाभाग हो उसे टोका जाए, दुर्भाग्यशाली हो कोई नहीं टोकता, नहीं आई नहीं समझ में, बताइए दृष्टान देते और क्या करें, दे दृष्टान, क्या नाम है तुम्हारा, पलाश पीयूष क्या, श्रेष्ठ, हाँ श्रेष्ठ, सुनना ध्यान, तुम कितने भैया हो अकेले, एक है ना तुम्हारा, दो चाहिए अपने दृष्टान में, अब दो भाई हैं, दो भाई, इसका इसका भैया है वो पुड़िया खाता है और मम्मी भी कुछ नहीं कहती, पापा भी कुछ नहीं कहते, इसको ये लगता है कितना भाग्यशाली है, देखो ऐसे कोई कुछ नहीं कहता और हम जरा सी खा भी गए तो पिट जाते हैं, जी पढ़ता तक नहीं है इससे कुछ नहीं कहते, जी टीवी देखता है क्रिकेट मैच देखता है इससे कुछ नहीं कहते, सही में भाग हो तो इससे ऐसा हो, कितना भाग्यशाली है, और कुछ कोई कोई कुछ नहीं कहता, एक हमारे देख लो सुबह से शाम तक हमें डांट पड़ती है, हमें ऐसा होता है, हमें ऐसा होता है, हमें ऐसा, बोलो ये दृष्टांत दिए इसका ही नहीं सबका ही समझ, आप कुछ नहीं खाते कुछ खाने वाले लोग हैं तुम्हें कैसा लगता है, हम मर्यादा में रहते रात को पानी नहीं पीते, पानी पीने वाले कैसे लगते हैं आपको, बोलो हम नंबर दो का नहीं कमाते, फिर नंबर दो का कमाते हो करोड़ों रुपए इकट्ठा कर रहे हो, बोलो सही सही बताओ कैसा लगते हैं तुम्हें, लगता है मुंह में पानी आ जाता है, एक बात है देखो पुलिस वुलिस कुछ नहीं कर पाती, नीचे से ऊपर तक सेटिंग है, सही में क्या मजे हैं, ठीक है ठीक है, सुना जिसको टोका नहीं गया था उसे दुर्भाग्य से कैंसर हो गया, सौभाग्य था तुम्हारा जो तुम्हें टोके गए थे,
नहीं टोके जाने पर तुम निगोद चले जाओगे, टोके जाने पर मोक्ष हो जाएगा। बोलो टोकना मंजूर है? टोकना मंजूर है? पंडित साहब तो बहुत कहते हैं धन्य भाग है जिन्हें डांट पड़ती है। डांट समझिए, डांट सीसी में डांट लगा दो। सीसी में डांट लगा देते? नहीं लगा देते? सीसी में डांट लग गई, अब अंदर का पानी बाहर नहीं निकल सकता। मैंने अंदर की कोई भी औषधि हो, कोई चीज बाहर नहीं निकल सकती। ऐसे शिष्य रूपी सीसी के में से, शिष्य रूपी सीसी में से भगवान आत्मा का पवित्र भाव बाहर नहीं जाएगा। गुरु की डांट लगी रहे तो गुरु की डांट लगी रहे तो वह बहु अंदरगल नहीं हो सकती जिसके ऊपर सास की डांट है। वह बेटा अंदरगल नहीं हो सकता जिसके ऊपर, बोलो बोलो बेटा, हाँ, जिसके ऊपर पिता की डांट है। अब गुस्सा हाथ से डांट निकाल रहा है भाई। अब एक काम करो, बिना डांट को पानी ले तो जा, समय सिगरेट कैसे ले जाओ? सारी रस्ता घबराओगे, क्या करें क्या नहीं करें, पानी की टेढ़ी नहीं हो जाए, वहां से पानी नहीं निकल जाए, वहां से कपड़ा नहीं निकल जाए, मतलब कितने टेंशन वाला बता। अपन लोग गर्मी के दिन है और घी ले जाना 2 लीटर, हाँ समय से घर यात्रा में जा रहे हैं, और ढक्कन ही नहीं ऊपर, मतलब बता 24 घंटे आप निसंग कब रहोगे? कब कब निसंग रहोगे? यहाँ से लेके रख लो, आप यहाँ से बैठ जा चलो। मत रखो इतने बड़े डब्बा के अंदर, मत रखो उसके इतने बड़े डब्बा और पैकिंग के अंदर मत रखो, यहाँ से डाल लो। जरा झपकी लगी, क्या करोगे बोला? सुना, जो आश्रम को आत्मा मानते हैं, विकार को आत्मा मानते हैं, शरीर को आत्मा मानते हैं, टोके जाने को आत्मा मानते हैं, वे तीन काल में मोक्ष नहीं जा सकते। तो कहते रहो मैं पर्याय से भिन्न, कहते रहो बस कुछ नहीं हुआ, कहते रहो आश्रम से भिन्न। आश्रम से भिन्न कैसे कहते पता है? किससे कहते हैं आश्रम से भिन्न? जहां आश्रम के सुनने पर, देखने पर, जानने में आने पर भी हीनता भाषित नहीं होती, दीनता भाषित नहीं होती, भिन्नता भाषित होती है, भिन्नता भाषित होती है। आज हमारे पास बनियान नहीं थी, समेंगी पहने दस्ता, आज हमारे पास बनियान नहीं थी, समेंगी पहने। अब जब पीछे से फटी है, ये इधर से फटी है, यह गंदी है, सो आपने कहा पंडित जी बनियान अच्छी नहीं लग रही, बताओ हमें कितना दुख होगा, बताओ कितना दुख होगा, क्यों नहीं हो रहा दुख? हमारी थोड़ी भैया इनकी है, पहने आए थे आज, जैसी जैसे इनकी है हमारी तो है, हमने तो पैर ली। ये दृष्टा भिन्नता इसका नाम है, भिन्नता इसका नाम। आप आपके घर में एक बच्चा था, खेल रहा था, नाक बह रही थी, तोड़ फोड़ कर रहा था, खा पी रहा था, कुछ मेहमान आए, उन्हें कितना गंदा बच्चा है, आपके चेहरे पर कुछ नहीं हुआ, हमारा नहीं पड़ोसी का है, आपको चेहरा अभी कुछ नहीं हुआ, गंदा अभी भी है बच्चा, अभी भी नाक बह रही है, अभी भी उल्टा सीधा खा पी रहा, जो कुछ भी कर रहा है, आपको क्यों तकलीफ नहीं हुई? आपका होता तो, आपका होता तो वो मिल नहीं सकता, बैठा नहीं रह सकता था, मेहमान आते सबसे पहले दरवाजे बाद में खोलते, पहले तो रुमाल निकाल के बोला क्या कहते हैं बोला, और जो सर नाश्ता वास्ता कुछ झूठा मूठा पड़ा है सही कर कराए, झट बोल करते कि नहीं करते, देखो पराए लड़के की नाक नहीं पहुंची जाती, और अपना लड़का हो तो नाक पहुंची जाती, दृष्टांत है। ऐसे ही जहां भिन्नता भाषित होती है वहां हीनता नहीं की जाती, और आत्मा में हीनता का कोई काम नहीं है, इसलिए आनंद आता है। यदि हम व्यवहार से रागादि को आत्मा का भी कहें, रागादि को आत्मा का भी कहें, झट सफाई कर देंगे, सफाई सफाई करके बात करेंगे, आगे समझ में आया? पराए लड़के की नाक कौन पहुंचे, अपना हो तो साफ कर ले, ये तेरे 40 गुण की पर्याय है, तेरे 40 गुण की पर्याय है, रागादि साफ करके बात कर, करते कि नहीं करते बोला? अब ये इतने लोग अब दृष्टांत नहीं बढ़ा, बस हो गए तो ही दृष्टांत बोल रहे। हाँ हाँ सर, एक समय का उत्पाद है, अपने समय के बिना
रहता नहीं है, अपने समय में होता ही है। ये जानने का इतना फायदा है, ये हम इम्प्लीमेंटेशन बता रहे हैं आपको, मतलब इतनी बात आके ख्याल भी नहीं आएगी। जब आप कहते तो रहोगे पंडित जी हमने सुना है समस्त आश्रम से भिन्न, तो समस्त आश्रम से भिन्न मतलब समस्त परतर से भिन्न मतलब सुनो, भिन्न देखने वाले को साहस आता है, साहस पेशेंस आता है, संयम आता है। आपने कह दिया कोई बात नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। बोलो नर्सरी का बच्चा कितना साहसी होता है, आपकी दुकान पर कोई मुनीमी का काम करने आए, गलती तो होगी उससे, लोग पहले गलती होगी, सुनने का साहस रखना पड़ेगा। MBBS डॉक्टर पास करके आ गया अभी, लेकिन पहली बार जिंदगी में सीखने के लिए सर्जन के अंडर प्रैक्टिस में है, सर्जन के कितनी चूक होती पता है, बहुत चूक होती है, बहुत डांटा जाता है, टोका जाता है। ओके सर, नो सर, थैंक यू सर, सॉरी सर, सॉरी सॉरी सर सॉरी। तो वो एक दिन अच्छे डॉक्टर बन जाते हैं, व्यवहार का दृष्टांत है, डॉक्टर तो अच्छे होते ही नहीं है। ये तो व्यवहार की बात है दृष्टांत देने के लिए। ऐसे ही जो जो जीव मैंने चाहे बहू हो चाहे बेटा हो और चाहे शिष्य, डांटे जाएंगे और डांट बर्दाश्त कर लेंगे, भगवान बन जाएंगे। और लेकिन मुंह से कहते रहो आश्रम भिन्न भिन्न ही, बस क्या क्या भिन्न है, भिन्न कहने के भाव दृष्टांत में दे दिया, अपना बेटा और पराया बेटा, यहाँ पराया दिखता वहां दीनता नहीं आती। या तो राधा जी को भिन्न देखो तो अपना नहीं देखे तो दीनता नहीं आई, तो कोई टोके रोके कोई दिक्कत नहीं तो दीनता नहीं आई। लेकिन एकत को बता ही रहा है, एकत को बता रहा है कि तुझे बुरा लग रहा है, मैंने एकत को बता रहा है वो, ये रागा दे तेरे परिणाम है, तुझे लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है तुम्हारी बुराई हो रही है। अभी क्या कहा था तुम्हें, ए तीन लोग में किसकी निंदा होती है, तीन लोग में हमारी निंदा तो नहीं होती, सर्वज्ञ परमेश्वर भी हमारी तो प्रशंसा ही कर रहे हैं, लेकिन हमें उसका खबर नहीं होने से वाणी को अपनी वाणी मान ली, चीज को शरीर को अपना मान लिया, फला को अपना मान लिया, दिन रात दुखी रहती दिन रात। तुमने मकान बनाया तो कोई तुम्हारी बुराई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, लेकिन मकान में कमी होगी तो कह ही सकते ये मकान में थोड़ी ठीक नहीं है डिजाइन, बोलो अच्छा नहीं लग रहा है, ये रंग क्या आपका कलर कॉम्बिनेशन ठीक नहीं लग रहा। अब आप फौरन दुखी हो गए, सुनो तुम्हारे कर्तव्य बुद्धि ने तुम्हें दुखी किया, मकान ने तुम्हें दुखी नहीं किया, मकान की निंदा तुम्हारी निंदा नहीं थी, लेकिन तुम बेबिजुले दुखी हो, हम क्या करें बोलो। मिथ्या दृष्टि माने फ्री फोकट का दुखी, मिथ्या दृष्टि माने जिसके पास दुख का कोई कारण नहीं है जगत में फिर भी दुखी, मिथ्या दृष्टि माने जिसके पास सुख के सारे साधन भरे पड़े हैं तो भी दुखी, गजब देगा, सुख के सारे साधन भरे पड़े हैं तो भी दुखी। प्राकृतिक चिकित्सा में क्या कहेंगे इस बात कि तेरे शरीर में सारी दवाइयां हैं, सारे रोग दूर करने की क्षमताएं हैं, सारा सारा सुख स्वास्थ्य का सुख भोगे ऐसी सामर्थ भरा पड़ा और फिर भी तू दुखी, क्यों दुखी, तेरे में स्वरूप नहीं मान, बस इतनी सी बात। आगे समझ में आए, आगे चले, क्या टॉपिक चल रहा है, ये उत्पाद सच है, आज उत्पाद ले लिया कल के लिए एक द्रव दूसरे द्रव का करता नहीं है, आज कह रहे हैं अब द्रव के अंदर की बात चल रही है, द्रव के अंदर की बात चल रही है, जो गुण होते हैं उनकी पर्याय होती है, मैंने उत्पाद एक नई पर्याय होती है, नई नई अवस्था होती है, उत्पाद सत है, उत्पाद सत है, मतलब नई अवस्था का होना सत है, नई पर्याय मैंने नई अवस्था का होना सत है, सत है मैंने उसे कोई रोक नहीं सकता। अब इसको इसको समझाना पड़ेगा, ध्यान से सुनो, जी घड़ी सही चल रही, मुझे घड़ी सही चल रही, जी जी चल रही नहीं सही, ठीक है ले ले 15 मिनट ले ले, सुनो बहुत मार्मिक बात, बस इसके प्रैक्टिकल बता रहा हूँ और कुछ नहीं। जिन्हें सत का विश्वास है वे कभी दुखी नहीं होंगे, जिन्हें उत्पाद सत का विश्वास है वे कभी दुखी नहीं होंगे, जिन्हें व्यय सत है, व्यय सत है इसका विश्वास है वे कभी दुखी नहीं होंगे। दृष्टांत दे रहे जल्दी जल्दी आप समझ लेंगे। आप क्या एक बार बताओ, वो बेटा कैसा होगा जो माता पिता के कपड़े खराब कर दे, कपड़ा खराब करना समझती हूँ, क्यों
वो बालक कैसा होता है कि माँ बाप की मूछ माँ की तो नहीं खींचे बाप की मूछ खींचेगा क्या कैसा होता है बेटा बोलो बोलो कैसा होता है कितना खराब रुक जाओ छोटा सा बच्चा है उसे गोद में लिया उसने कपड़े खराब कर दिए बताओ बेटा खराब है कि अच्छा तो 20 साल का बच्चा करे था नहीं रुक जाओ बता रहे आपको 2 साल के बच्चे में इतना पेशेंस क्यों है या वो छोटा से बच्चा 6 महीने का उसमें इतना पेशेंस क्यों है आप दुखी क्यों नहीं हुए क्योंकि आपको मालूम है ये बेटे की कमी नहीं है ये उसकी उसकी अवस्था की कमी है अवस्था माने एक समय की हालत पर्याय दशा अवस्था छोटी सी उम्र में अवस्था कितनी है और अब धीरज क्यों है आपको घबराहट क्यों नहीं हुई बच्चे से घृणा क्यों नहीं की क्योंकि व्यसत है व्यसत है माने ये जो कमजोरी है कपड़े गंदा गंदा कर देने की जो कमजोरी है अवस्था इतनी है उसकी छोटी समझ है ना समझ है अभी वो नहीं समझता है लेकिन इसका व्यय हो जाएगा जाएगी ही मतलब जाएगी कि नहीं जाएगी अज्ञानता जाएगी कि नहीं जाएगी ना समझी जाएगी कि नहीं जाएगी बैड मैनर्स गुड मैनर्स में बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे सुनो बैड मैनर्स का व्यय सत्य है और गुड मैनर्स का उत्पाद सत्य है बोलो एक बच्चे को कैसे पेशेंस के साथ पालते हो कभी घृणा करते हो बच्चे ने कपड़े खराब कर दिए अब आपका काम बढ़ गए अब आपके पहने हुए पूरे कपड़े बदलने पड़ेंगे आपको धोने पड़ेंगे सुखाने पड़ेंगे उठाने पड़ेंगे फिर भी माँ को अपने बच्चे पे प्यार आ रहा है क्यों आ रहा है प्यार कोई यदि कोई कहेगी कैसा गंदा बच्चा है तो आप झट से गले से लगा रहे हैं गंदा बच्चा है जैसे तुमने कबूल नहीं करी हमारी झट कह रही बच्चे की कोई गलती नहीं दिख रही उसे बच्चे की गलती नहीं देख रही ये द्रव्य निर्दोष है बच्चे की गलती नहीं दिख रही ये द्रव्य निर्दोष है ऐसे ही प्रत्येक आत्मा निर्दोष है वर्तमान में जो ये कमजोरियां दिख रही मोह राग द्वेष की ये उस 6 महीने के बच्चे जैसा गंदगी वर्तमान अवस्था की है अज्ञान की है प्रमाद की है समझ आ रहा कुछ अब फिर से बोलो व्यय सत है और अच्छी पगहें आएंगी पंडित जी जी बच्चा एक दिन यही बच्चा बड़ा होगा यही बच्चा समझदार होगा यही बच्चा दुकान जाएगा यही बच्चा हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा यही बच्चा एक दिन बहू लाएगा पंडित जी क्या बताएं मेरा चांद और तारा क्यों चांद तारा है कि क्या कह रहे हो इसका नाम है द्रव दृष्टि का आनंद इसका नाम है अनचेंजेबल दिखने वाला स्वरूप व्यसत है जो व्यसत है सुनो आज जितनी कमियां हैं आज जितने रोग हैं जितनी तकलीफें हैं वे सब व्यय होंगी सीता जी को बहुत वर्षों तक माने सीता जी को रामचंद्र जी ने त्याग कर दिया कितने समय के लिए किया था पता है कितने समय के लिए किया देयर इज नो लिमिट हमेशा के लिए छोड़ दिया था आजीवन के लिए सीता जी ने आत्महत्या क्यों नहीं की उन्हें मालूम था मेरे पाप का उदय ये व्यय होगा इसका पाप का व्यय सत है और पुण्य का उदय सत है एक ना एक दिन मेरा पुण्य होगा उदय आएगा स्वामी जी मानेंगे और एक दिन मुझे अपनाएंगे उत्पाद सच है आज हमें अधीर क्यों हो जाते हैं सुसाइड क्यों कर लेते हैं घबरा क्यों जाते हैं विश्वास नहीं साहब 10 दिन से उपवास कर रहे कमजोरी बढ़ गई तो मर गए तो बीमार हो गए तो इलाज नहीं हुआ तो हम लोगों से बहुत लोग पूछते हैं पंडित जी प्राकृतिक विश्व में क्या चीज है चलो हमें दिखाओ तो प्राकृतिक तो कुछ है ही नहीं यदि आप वहां प्राकृतिक इलाज कराने यहाँ तो कुछ है थोड़ी ना कुछ न लेबोरेटरी ना मशीन है ना कुछ भी नहीं है और खाने के नाम पर खाने पीना कोई भोजन पंडित जी ये बात है हमें आप पर विश्वास नहीं बोले क्यों कि इतनी करोड़ों की लेबोरेटरी है इतने इंस्ट्रूमेंट्स हैं इतनी चीजें हैं और इतनी दवाइयां और इंजेक्शन बन रहे हैं रोज
हजारों डॉक्टर वैज्ञानिक नई नई रिसर्च कर रहे और वे तो कैंसर ठीक नहीं कर पा रहे और आप करते हो, और वो भी कहां से? नारियल पानी से। क्या करते हो? और वो केवल श्वासोच्छ्वास से दमा सही कर दोगे? श्वासोच्छ्वास बोले ये प्रवीण को थोड़ी तकलीफ है श्वास। अभी गाजियाबाद में उन्होंने कहा तुम संघ फूका करो, मुझे बता रहा था संघ फूकने से लाभ है बस, और कुछ नहीं करना, संघ फूकने से लाभ होता है। अब इनने कहा संघ खरीदना पड़ेगा क्या बाजार से? कि नहीं नहीं संघ मत खरीदो। अब कोई को विश्वास होगा कि अस्थमा का रोग जो करोड़ों रुपए से मिटे नहीं और डॉक्टरों से नहीं मिटे, बस केवल श्वासोच्छ्वास के सही करने से मिट जाए, मैंने बताना ये चाह रही है। अरे यदि उत्पाद सत है तो व्यय भी सत है, यदि तेरे में बीमारियां उत्पन्न हुई है तो उनका व्यय होगा, यदि तेरे को रागादिक उत्पन्न हुए हैं तो अच्छे अच्छों के तो परिणाम सुधरे नहीं। पंडित जी एक जी बड़ी गंदी बात है, अच्छे अच्छे तो सुधरे नहीं, अच्छे अच्छी नहीं सुधरे, अच्छे अच्छी नहीं सुधरे तो बुरे बुरे सुधरे। क्या बात ही क्या है? हमने तो अच्छा अच्छों को देखा भ्रष्ट होते, बिल्कुल झूठी बात। तुमने अच्छों को भ्रष्ट होते हुए नहीं देखा, तुमने भ्रष्ट को भ्रष्ट देखा। अच्छे तो भ्रष्ट हो ही नहीं सकते, अच्छे की परिभाषा ही है। पंडित जी हम तो ब्रह्मचर्य नहीं ले सकते, अच्छे अच्छे भ्रष्ट होते देखे, तुमने क्या देखा है? सुना हमसे पूछो अनंत सिद्ध भगवान भ्रष्ट नहीं हुए? नहीं हुए। 8,98,502 अनंत भगवान केवली भगवान आज विद्यमान है, आज कहां भ्रष्ट है बोलो? हजारों गणधर आज है, हजारों कहां भ्रष्ट है बोलो? आचार्य उपाध्याय साधु आज भ्रष्ट को बता दे। तूने भ्रष्ट को भ्रष्ट देखा, उन्हें अच्छा मान लिया, हम क्या? थोड़े बहुत समय ना, कौन सा पॉइंट चल रहा है बस इतना ही कर पाएंगे। उत्पाद सच है, व्यय सच है, बुराइयों का व्यय सच है, अच्छाइयों का उत्पाद सच है, बुराइयां डरो मत। पंडित जी बहुत गंदी आदत है, डरो मत। पंडित जी पूजा में मन नहीं लगता, कोई बात नहीं, लगेगा, चिंता नहीं करो, लगेगा। हमारे पास बहुत ब्रह्मचारी ऐसा कहते हैं हमारा मन नहीं लगता, हम स्पष्ट बोल देते भाई, डरते नहीं। धन्य है जो बोल देते हैं, उन्होंने कहा कि मन नहीं लगता। मैं सुना भी कर जब नर्सरी में बच्चे पढ़ने जाता मन नहीं लगता, नर्सरी में जो बच्चा जाता है कच्चे एक दो कितना होता है बोला, जाने कितने लॉलीपॉप दिखाना पड़ते हैं तो भी रोता है, रोता है बोला। यही बच्चा जब 8वीं 10वीं तक आता है बोला, अब माँ कहती बेटा पढ़ाई छोड़ दो, कब बसी की दुकान में काम कर लो, होटल में तने 10-50 रुपए मिलेंगे बेटा, 50 रुपये 100 रुपये मिलेंगे बेटा, चला बोलो। अब क्या हो रहा है? अब बोलो क्या होगा? अब नहीं जाएगा। अरे कैसी बात कर दी बोलो, वो मन नहीं लगता था, लगने लगा कि नहीं लगने लगा? ऐसी पूजा पाठ में मन नहीं लगता था बोलो, लगा कि नहीं लगा? शुरू शुरू में स्वास्थ्य की चिकित्सा जो प्राकृतिक में पहले तो ऐसा लगता है कि तो इतनी गर्मी में उपास, इतनी गर्मी में कल हम भी सोच रहे थे इतनी गर्मी क्यों, हमने कुछ नहीं लिया, दो कटोरा दही लिया थोड़ा थोड़ा और कुछ भी नहीं लिया, पानी तक नहीं पिया, पानी तक केवल दही अकेले 24 घंटे में एक बार लिया। बोलो कल की तुलना में ताकत आज ज्यादा दिख रही, कम दिख रही बोलो? सही बताना, हमारे चेहरे की शक्ल कल के अच्छी लग रही थी, आज कल नहीं थी, हमें मालूम है सब बड़ी मुश्किल से निकल रही थी। बोला मैंने हम आपको क्या कहें? अरे अच्छाइयां उत्पन्न होती हैं, क्योंकि विश्व की वस्तु व्यवस्था इतनी सुंदर है कि वो विकार को अपने आप फेंकती है। आत्मा में किंचित विकार एक समय नहीं रह सकता, किंचित भी विकार एक समय नहीं रह सकता, शरीर में विकार एक समय नहीं रह सकता। आपको पता है 24 घंटे की व्यवस्था है सुंदर, लेकिन तुम्हें इसका पता नहीं। बस हम आत्मा में घटा रहे, शरीर में डॉक्टर साहब घटा देंगे, ठीक है कि नहीं? अच्छी तरह समझना, बताओ कोई राग कंपल्सरी परमानेंट है आपके पास? कोई खाने पीने का विकल्प परमानेंट है आपके पास? कोई क्रोध मान माया लोग परमानेंट है आपके पास? कितना सरल व्यवस्था, कितनी सुंदर व्यवस्था है बोलो। फिर से बोलो, मन नहीं लगता? लग जाएगा। सीता जी ने सुसाइड क्यों नहीं कर लिया? अंजना ने तकलीफ सुसाइड क्यों नहीं कर लिया?
धर्मात्माओं को ये पता है, बुराइयां जाती हैं, अच्छाइयां आती हैं। बुरा समय जाता है, अच्छा समय आता है, सब लगा लो। पंडित जी इतने दिन तो हो गए प्रवचन सुना सुना, अब तो हम हार गए, हार गए, सम्यक नहीं हुआ तो, स्वस्थ नहीं हुए तो, मोक्ष नहीं हुआ तो, केवल ज्ञान नहीं हुआ तो, कैसी तो लगा रहे हो। मिथ्यान मिथ्या ज्ञान का व्यय सत है और सम्यक ज्ञान का उत्पाद सत है। सत है मैंने अपने समय में होगा, दसवीं का ज्ञान आठवीं में हो सकता है, हो सकता तो दसवीं का ज्ञान दसवीं में सत है ना, है ना। जब केवल ज्ञान के लायक होगे तब तो केवल ज्ञान हो जाएगा, चिंता नहीं करो तुम केवल ज्ञान के लायक नहीं हो, सम्यक दर्शन के लायक नहीं हो इसलिए सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, सम्यक दर्शन के लायक हो गए सम्यक दर्शन हो जाए, चिंता नहीं करो हम। अब एक अंतिम बात कह दे रहे पंडित जी, हम लायक कब होंगे, लायक कब होंगे, एक काम बता दें, लायक होने के लिए चिंता मत करो, चिंता करने से लायक नहीं बनते। प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छे चैप्टर्स हैं, यदि आप इनको पढ़ी हो, प्राकृतिक स्वास्थ्य शास्त्र नहीं पढ़ी हो तो आप पढ़ लेना, लेकर जरूर, इतने बढ़िया चैप्टर लिखे हैं, आपको ऐसा लगेगा जैसे जैन धर्म के 10-15-18 चैप्टर हैं। वैसे तो पूरी पुस्तक मुझे इतनी अच्छी लगती है, लेकिन मालूम है इलाज के लिए क्या लिखा है, सद्गुणों से इलाज, दवाइयों से इलाज नहीं लिखा, सद्गुणों से, सद्गुणों की संपत्ति। तो पहला चैप्टर क्या है, क्षमा से इलाज, समसा से इलाज, तृष्णा को जीत लेने से इलाज, अच्छे लिखे हैं उसमें, मैत्री से इलाज, उपकार से इलाज, सेवा से इलाज, परोपकार से इलाज, जितने लिखे वाले आपको भी विश्वास होगा जी। सुना, पहला तरीका है चिंता मत करो, चिंता से एसिडिटी होती है, चिंता से मेंटली डिस्टर्ब होते हो, 100 बीमारियां होती हैं, हजार सारी बीमारियों की जड़ चिंता, इस शरीर में घटा दिया, आत्मा में घटा रहे हम। चिंता करने से योग्यता नष्ट होती है, चिंता करने वाले को सम्यक दर्शन कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। लाख तुम कहो मैं भगवान हूं, गायक हूं, ध्रुव हूं, रटते रहो माला, अरे तुझे एक पर्याय की चिंता है तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा, लिख लो एक भी पर्याय की, एक भी पर्याय क्यों, पर्याय अपने समय में सत है, तुम चिंता क्यों कर रहे हो क्यों। एक पिताजी इसलिए बीमार हो गए, दृष्टांत हुए नहीं होंगे मेरा तो दृष्टांत, एक पिताजी इसलिए बीमार हो गए कि पंडित जी हमारा बच्चा तो है लड़का, मुझे कब आएंगे, आएंगी कि नहीं आएंगी, एक साल का हो गया अभी तक तो आई नहीं, दो साल का हो गया कुछ दिक्कत है ही नहीं, और तीन साल का हो गया बता, यहाँ सब बाप बीमार नहीं हुआ, बीमार कौन सी बीमारी होगी इसको, मेंटली डिस्टर्ब, ऐसी कोई मेंटली डिस्टर्ब है, जिस समय जो पर्याय आती है उसी समय आती है, जैसे मूंछों को आना एक नैसर्गिक सत्य है, अपने समय पर प्रकट होता है, ऐसे आत्मा में सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे समय से प्रकट होती है, क्षमा शांति वैराग्य समय से प्रकट होती है, टेंशन करने से मिटती है वो पर्याय, माने योग्यता नहीं बनती, लायकियत नहीं आती, समय दर्शन करना है। तो ऐसे टेंशन में पूछेंगे 25 साल हो गए पढ़त पढ़ो, कुछ कहो ही नहीं, एक काम करो पहले रो आओ, जब शांति से बैठोगे तब बात करेंगे, समझ में आ रहा है। विश्व के समस्त रुदन को शांत करने वाली चर्चा है, उत्पाद अपने समय में सच है, व्यय अपने समय में सच है, एक समय भी ज्यादा नहीं रुकती व्यय वाली चीज, एक समय का सत है ना, एक समय से दूसरे समय नहीं रुकेगी, और अपने समय से पहले नहीं आएगी, लौकिक भाषा में बोलो, लौकिक भाषा में भाग्य से ज्यादा समय से पहले, और समय से पहले है सुना है, समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को कभी भी कुछ भी, क्या बोला तीन बार, किसी को कभी भी, अब निश्चिंत हो जाओ समय दर्शन हो जाएगा, गारंटी है हमारी, गारंटी कह रहे बिल्कुल हो जाएगा, हाँ आज तो निर्भर हो गए समय से सब हो गए, हमने ब्रह्मचर्य लिए 2 साल हो गए कुछ भाव ही नहीं, वो तो यहाँ से 25 साल हो गए बढ़त बढ़त कुछ भाव ही, उठो उठो यहाँ से हटो, मैंने तुम सत का पता नहीं, ये मेरी बात का उल्टा नहीं पकड़ना, ये तो बड़े प्रेम से समझा रहे हैं।
अरे वो पांच सत्य को समझो, वे सत्य को समझो, इसकी चर्चा बहुत है, अभी बहुत करेंगे। ओम नमः शिवाय।